मौजूद है करमपुर में, यहाँ पे साथ मुहर्रम उल हरम के हवाले से यहाँ से माई मोहानी का मशहूर काफिला है जो कि मेहंदी मासूम शहजादा असगर अलैहिस्सलाम की बरामद होती है, अनकरीब वो भी बरामद होने वाली है। लेकिन हम यहाँ से जो सबीलें लगाई गई हैं, यहाँ के मुंतजिम उनसे बातें करते हैं, सबील लगाने की उनसे वजह भी पूछते हैं, वो क्या बताते हैं, किस तरह के इकदाम उठाए गए? मेरी बात ये है कि मुहर्रम अल हराम की ड्यूटी हर मुसलमान का फर्ज है कि उसमें हिस्सा करे, उनके कोई भी गैर मर्दिया कोई भी गैर आदमिया उनको मतलब तहफ़ करे, जो प्रोग्राम में होते हैं उनके तहफ़ करे। इंशाल्लाह हम पुलिस वाले जो भी हमारा स्टाफ खड़ा हुआ है हम दिल लगा के ड्यूटी करेंगे, और ये इमाम हुसैन की ड्यूटी इंशाल्लाह नेक नीयत से करेंगे, इंशाल्लाह कोई भी नाखुशगवार वाक़ा नहीं होगा, हम बिल्कुल फुल प्रूफ से सिक्योरिटी किए और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह खेले से प्रोग्राम हो जाएगा। सात मुहर्रम कितना ऐसा हुआ है और सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी हवाले से आप कितना मुतमिन हैं? हमारे जो मौसम साहब हैं यहाँ के शिव साहब हैं माशाल्लाह, उनके जवाना के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारी और हमारे जुलूस की क़यादत करते हैं, आगे पीछे हमारी सिक्योरिटी होती है, और सीमा में भी हमारे साथ आर्मी आती है। सिक्योरिटी जिन्होंने भेजी है मौला हुसैन ने मैं क्या अजीज नाजी बानियान की आपने बातें सुनी, सिक्योरिटी अधिकारियों की बातें सुनी, बानियान का कहना है कि हम सिक्योरिटी से अभी बिल्कुल मुतमिन हैं, ये काफिला यहाँ से सुल्ताना चौक से बरामद होगा और सखी दौलत शाह के इख्तिताम में पजीर होगा। कैमरामैन टीम के साथ सीगार अली, राज न्यूज़, करमपुर।